हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट सेटअप। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं 13 जून के डेली करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड जी हाँ, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हु विंस ग्रुप ए टाइटल इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट? तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता है? वी प्रणीत, साई रवि, आर प्रज्ञानंदा, डी मुकेश। तो इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंदा। सो ही इज ओनली 16 ईयर ओल्ड और उसने वी प्रणीत को हराया है। सो ही इज ग्रैंड मास्टर, यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर हु इज विनर ऑफ नॉर्वे चेस ग्रुप ए टाइटल विद द पॉइंट ऑफ 7.5 फ्रॉम 9 राउंड्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? 25th, 75th, 155th, 175th। तो इसका सही जवाब है 155th। तो ग्लोबली जो है, ग्लोबली IISc बेंगलोर 155th पोजिशन पे आया और इंडिया में फर्स्ट में आया है। लास्ट ईयर को कंपेयर किया तो IISc जो है वो 31 प्लेसेस आ गया है। तो जी हाँ, और फर्स्ट जो है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि US में है। एंड सेकेंड वन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एंड थर्ड वन जो है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बोथ आर फ्रॉम यूके। एंड द फर्स्ट वन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स फ्रॉम US। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, द MD ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड कृष्णा श्रीनिवासन एज द हेड ऑफ एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, IMF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की MD है और उन्होंने रिसेंटली कृष्णा श्रीनिवासन को हेड बनाया एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट का। तो ही इज द फर्स्ट इंडियन और इन्होंने रिप्लेस किया है चांग योंग री को। विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट लियोनिड क्रावोक हैज पास्ड अवे रिसेंटली? मालदीव्स, चेक, चाइना, यूक्रेन। सो He was the first president of Ukraine who was passed away recently. So Leonid Kravchuk, the first president of independent Ukraine, he died recently at the age of 88 and he was a communist leader. He was communist leader who helped sign the Soviet Union's death warrant. United Nations Development Program, UNDP. UNDP, तो ये कहाँ पे है? दिस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूयॉर्क। और इसके पैरेंट कंपनी जो है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये उसके पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड विच मिनिस्ट्री हैव साइंड अ MOU फॉर क्रेडिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक MOU किया है फॉर क्रेडिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर।
तो बेसिकली यूएनडीपी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एमओयू किया है वो क्रेडिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और यूएनडीपी जो हेल्प करने वाला है वो टेक्निकली, सो यूएनडीपी विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, यूएनडीपी विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू द सेंटर्स एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दोनों के लिए यूएनडीपी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर। विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 30th जून? इंटरनेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल टोबैको अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैज बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ईरान, इराक, यूएई, जापान। इसका सही जवाब है यूएई। इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, अबू धाबी, और करेंसी जो है वो है दिरहम। तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन रिसेंटली इलेक्टेड शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान द रूलर ऑफ अबू धाबी हैज द न्यू प्रेसिडेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड ही सक्सेड्स शेख खलीफा बिन जायद अल नहान हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द 59th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन इन उज्जैन, मध्य प्रदेश? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो उन्होंने एक जनरल कॉन्फ्रेंस लिया था ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन। Honorable President Shri Ramnath Kovind ji inaugurated the new building of Government Dhanvantri Ayurveda College. Government Dhanvantri Ayurveda College in Ujjain in 59th Convention of All India Ayurveda Mahasammelan. तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। 18 जून को प्रेसिडेंशियल पोल होने वाले हैं और 21 जून को रिजल्ट है। And Rubina Francis has won India's third gold medal in parachuting World Cup. Adarsh Singh, Satish Rathi, Pramod Tomar, Manish Narwal. तो इसका सही जवाब है मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल एंड रूबिना फ्रांसिस, इन दोनों ने भी गोल्ड जीता है पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 जो हो रहा है फ्रांस में। और अवनी लेखारा ने फिर से और एक गोल्ड मेडल जीता है कल। गोल्ड मेडल मतलब उसने दो गोल्ड मेडल जीते हैं पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जो फ्रांस में हो रहा है। इन विच सिटी डिड मेघालय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस? चेरापुंजी, सेलम, तुरा, शिलोंग। तो इसका सही जवाब है शिलोंग। तो शिलोंग में जो है मेघालय गवर्नमेंट ने फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था एंड थीम क्या थी? सपोर्ट एंड सेलिब्रेट विच वॉज हेल्ड ऑन वेंसडे एट स्टेट कन्वेंशन सेंटर विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय मेघालय सीएम कोनराड संगमा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ फोर मेंबर पैनल to make recommendations to regulate online gaming? Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa. Iska sahi jawab hai Tamil Nadu. So Tamil Nadu state ne 4-member panel jo hai wo bithaya hai for regulating online gaming. Aur ji ha, Tamil Nadu ne ye step liya hai kyunki recently 29 year ki lady Rummy game mein almost 10 lakhs jo hai wo hari thi. So on that basis they have regulated online gaming. Which state has recently got 12 new conservation reserves and 3 wildlife sanctuaries? Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Maharashtra. So it's Maharashtra. Maharashtra mein 12 naye conservation reserve and 3 wildlife sanctuary ke liye permission diya hai. Who wins Azerbaijan Formula 1 Grand Prix 2022?
मैक्स वर्स्टापन, सर्जियो पेरेज, जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टापन, जो खेलते हैं रेड बुल के लिए, जो खेलते हैं रेड बुल के लिए, मैक्स वर्स्टापन। सो ही इज मैक्स वर्स्टापन। MOU signed between the government of Sri Lanka and Exim Bank of India for procurement of urea fertilizer for how many million? USD $55 million, $52 million, $45 million, $50 million. तो इसका सही जवाब है $55 million. तो श्रीलंका के गवर्नमेंट ने और एग्जिम बैंक ने एक MOU साइन किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर्स फॉर 55 मिलियन यूएसडी। रिसेंटली कल के मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कर रहा है, कितना मिलियन देके, कितना मिलियन डॉलर देके बताना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में। हु इज अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल? अमनदीप सिंह गिल, रबाब फातिमा, शेख अमीना, विक्रम सिंह। तो इसका सही जवाब है रबाब फातिमा। शी इज फ्रॉम बांग्लादेश एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल। तो दोस्तों अमनदीप सिंह गिल जो है वो भी यूनाइटेड नेशन के एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी के लिए अपॉइंट हुए हैं, एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, ये भी कल हमने देखे थे। तो रबाब फातिमा जो है अंडर सेक्रेटरी जनरल है, शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द बांग्लादेश हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च अ क्रूड मिशन टू बिल्ड टियांगोंग स्पेस स्टेशन? सऊदी अरेबिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान। चाइना, तो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया क्रूड मिशन टू बिल्ड तियांगोंग स्पेस स्टेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा। थैंक यू सो मच।